आज का हमारा मौजू है दरखास्त। दरखास्त में उर्दू में हम अर्जी भी कहते हैं। जब कभी भी हम लोग कहीं जाते कभी हम किसी से कोई चीज कहते हैं, अपने बड़े लोगों से मांग, कुछ हमें डिमांड होती है, मांगते हैं हम कोई चीज, तो हम उसका तरीकाकार तहरीरी शक्ल में जो करते हैं उसको कहते हैं हम दरख्वास्त या अर्जी। हमारे पास दरख्वास्त अक्सर जब आप लोग लिखते हैं तो उसमें आप कुछ मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं, जिसको हम अगर हम पॉइंट करें अपने हेडिंग की शक्ल में, तो ये मैंने खाका बोर्ड पे बनाया है। आप देखिए कि दरख्वास्त के कुछ हिस्से होते हैं, तो जैसे आप अपनी एचएम के नाम दरख्वास्त लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम, तो वो जो लिखी जाती है तो उसका पहला हिस्सा जो कहलाता है वो है सरनामा। यहाँ दूसरा हिस्सा जो है वो अलकाब लफ्ज लिखा हुआ है, और तीसरा हिस्सा जो है वो मरकजी हिस्सा है, और चौथा हिस्सा जो है वो इख्तितामिया है। अब आप पहले हम एक एक करके सबकी वजाहत करेंगे कि सरनामा किसे कहते हैं। सरनामे में हम वो चीज़ें लिखते हैं कि आप जो दरख्वास्त या अर्जी जिसके नाम लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं अपने एचएम के नाम छुट्टी की 2 दिन की दरख्वास्त, तो यहाँ ऊपर सरनामे में आप लिखेंगे अपनी एचएम का बखिदमत जनाब हेडमिस्ट्रेस और उनका पता लिखेंगे कि वो कौन से स्कूल की एचएम है और वो स्कूल कहाँ वाक़ है, और उस स्कूल का जो एरिया है जैसे शाफे सर है, लांडी है या कुरंगी है या जहाँ भी है वो, तो वो फिर आखिरी लाइन आएगी। तो यानी इसमें हम तरतीब वार जिसके नाम दरख्वास्त लिखी जा रही है, पहले उसका ओहदा, फिर उसका नाम, नाम नहीं लिखा जाता है वो जहाँ पर तैनात है वो, और फिर उसका एरिया लिखेंगे इसी तरह से। उसके बाद हमारा ये दूसरा जो है इसको हम कहते हैं अलकाब। अलकाब से मुराद ये कि हम उन्हें बखिदमत जनाब या मोहतरमा या मोहतरमी, इस तरह से हम जो दरख्वास्तों में लफ्ज़ देखते हैं वो इस कॉलम में हमारे पास आएंगे। तीसरा हिस्सा जो मेन मरकजी हिस्सा कहलाता है, यानी जो दरख्वास्त जिस लिए लिखी जा रही है ये उससे मुतालिक है, इस हिस्से को भी हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्से में, यानी पहला हिस्से समझा दिए कि शुरू की 2 लाइनें जो हैं वो आपके तारीफ से मुतालिक होती है कि आप कौन हैं, यानी जैसे हम जमात दहम के तालिब इल्म आपसे ये दरख्वास्त करते हैं, या आप अगर अपनी इंफरादी दरख्वास्त लिख रहे हैं बीमारी की, तो मैं जमात दहम की तालिबा कल रात से बुखार में मुब्तला हूँ, तो जैसे आपने अपना तारुफ, अपनी क्लास या अपना एरिया लिखना है, जैसे काउंसलर के नाम आप दरख्वास्त लिखती हैं तो आप जाहिर है अपनी अकेली नहीं लिखती हैं, अपने डॉक्टर का कोई मसला है तो लफ्ज़ हम का सीवा जमा का इस्तेमाल करती है, तो पहली 2 लाइनें आपके अपने तारुफ की इस मरकजी हिस्से में होती हैं। जो बीच का हिस्सा होता है वो होता है आपके सवाल या आपका जो मुद्दा है दरख्वास्त लिखने का उससे मुतालिक होता है, कि जैसे आपने दरख्वास्त लिखी है बुखार से मुतालिक अपनी एचएम को, या नज़रें कोई आपकी अम्मी का मसला है, तो आपने बीच में उस मरकजी हिस्से की वजाहत करनी है। ये बेसिकली या बुनियादी तौर पर आपके सवाल से डायरेक्ट मुतालिक होता है, कि सवाल में आपसे अगर कहा जाए कि 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त देनी है, तो आपका ये जो बीच का हिस्सा है ये उससे मुतालिक होता है। और फिर इसी का जो तीसरा हिस्सा होता है वो आप उसको मुकम्मल करती हैं कि अब आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की, इस मुतालिक इस मौजू से मुतालिक 2 दिन की, 4 दिन की, 6 दिन की छुट्टी आपको चाहिए होती है। तो ये मरकजी हिस्से से मुराद सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, मरकजी हिस्से के 3 मज़ीद हिस्से होते हैं, और इसमें हम 3 बातों की वजाहत करते हैं। आखिर में आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है इख्तितामिया, तो इख्तितामिया से मुराद ये है कि आप यहाँ लिखते हैं कि आप जो दरख्वास्त लिखने वाला है वो कौन है, यानी वो किस क्लास का तालिबे इल्म है, या किस इलाके का वो मकीन है, और उसका जो भी पता है, जैसे आप लिख लेंगे कि जब अपना नाम लिख रही है फ़कत आपके दावेदार शागिर, तो आप उसमें अपनी जमात दमू लिख रही हैं, आपका फरीद है अली या बे, तो वो आप लिखेंगी, और फिर आपने अपने सिग्नेचर भी, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आप तारीख अपनी डाल देंगी जिस तारीख को आपने वो दरख्वास्त लिखी है। तो उम्मीद करते हैं हर बार आपको ये, इससे पहले भी आपने मुख्तलिफ जमातों में दरख्वास्त लिखने का सीखा होगा, लेकिन आज आपको इस खानों की मदद से और इन खानों में हम क्या क्या और कब लिखते हैं वो वाज़ेह तौर पर मुकम्मल समझ में आ गया होगा। आज का होमवर्क आपका ये है कि आपने दरख्वास्त एक लिखनी है अपनी हेडमिस्ट्रेस के नाम, कि आप स्कूल में मच्छरों की अफजाइश की वजह से परेशान हैं और उसमें मच्छर का
करना चाहती है, उसके बाद आपने इसी तरह बॉक्सेस बनाकर ही वो मैटर को लिखना है ताकि आपको ये सब कुछ वाजे तौर पे समझ में आ सके। बहुत शुक्रिया।